अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में हम AKG की हैंड फ्रीज का क्विक अनबॉक्सिंग और छोटा सा रिव्यू करने जा रहे हैं और देखेंगे कि 200 वाली हैंड फ्रीज 10,000 वाली हैंड फ्री के बराबर है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एंड में हमने आपको इस वीडियो की इस हैंड फ्री की प्राइस भी बताई है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। साउंड क्वालिटी और इस हैंड फ्री के बेस वगैरह के बारे में हर चीज़ हमने डिटेल में बताई है वीडियो में, तो क्वालिटी की भी हमने बताई है और हमने इसकी क्विक अनबॉक्सिंग भी की है, तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो चलते हैं हम इसकी क्विक अनबॉक्सिंग की तरफ। तो अगर हम इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ये एक सिंपल इस तरह के पैकेट में आते हैं जैसे बॉक्स के अंदर मिलता है। उसके ऊपर एक ये स्टिकर लगा हुआ होता है, लगा हुआ है जैसे ओरिजिनल पे लगा होता है। EOIG 955 ऊपर कुछ कोड लिखा हुआ है। इस तरफ लिखा हुआ है मेड इन वियतनाम जैसे कि ओरिजिनल में लिखा हुआ होता है, और बाकी कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज में, लेकिन वो उल्टा लिखा हुआ है टेक्स्ट। इधर से शुरू करना है, इन्होंने इधर से शुरू कर दिया। तो इसको हम यूँ निकाल लेते हैं इसको बाहर। तो इस तरह के कुछ ये पैकिंग में आते हैं। और तो अगर हम इन हैंड फ्रीज की क्वालिटी की बात करें तो इनमें सेम वैसे ही टेक्सचर मिलता है जैसे कि ओरिजिनल में टेक्सचर मिलता है, आप देख सकते हैं। और ये ऊपर वाली साइड ये जो दी गई हैं ये एयरबड से करीब ये प्लास्टिक की हैं, जबकि नॉर्मल जबकि इधर ज़रा टेक्सचर दिया गया है जैसे कि ओरिजिनल में होता है, जैसे आप देख सकते हैं। को एक इंटरनल माइक और ये वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन का बटन मिलता है। ये माइक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे वैसे ही ब्रांडिंग दी गई है जैसे सैमसंग की ओरिजिनल हैंड फ्रीज में ब्रांडिंग दी गई होती है सैमसंग की। और अगर हम इसके ऊपर वाले इस जगह की बात करें तो ये प्लास्टिक की है जो कि काफ़ी चीप क्वालिटी की है। और इधर ऊपर वाली साइड पे आपको AKG की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है दोनों ही टिप पे, जैसे कि आपको ओरिजिनल में देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं। ये वाली साइड प्लास्टिक की है जो कि काफ़ी चीप क्वालिटी की है। और ये अंदर अगर हम इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो वो हम ज़रा टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद आपके पास आते हैं वापस। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो साउंड इसमें काफ़ी अच्छा था, और अगर हम इस साउंड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अगर हम इसमें बेस की बात करें तो वो हमें काफ़ी कम मिला है, लेकिन 200 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छा बेस था। अगर ये एक चाइनीज़ वर्जन है और हम इससे इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इनकी पाकिस्तानी प्राइस की बात करें तो वो है तकरीबन 200 रुपीज़, और अगर हम नॉर्मल हैंड फ्री की बात करें वो भी आपको कम से कम 150-200 रुपये की मिलती है। अगर कोई बंदा दूर से देखेगा उसको तो यही लगेगा कि आपके पास AKG की ओरिजिनल हैंड फ्री है। अगर हम ओरिजिनल हैंड फ्री की बात करें तो नॉर्मली तो वो मिलती नहीं है, मिलना मुश्किल है। आपने बहुत से एड्स वगैरह देखे होंगे कि 600, 800, 1000 रुपीज़ के ये ओरिजिनल बिल्कुल ओरिजिनल है, लेकिन ओरिजिनल नहीं होती, वो भी कॉपीज होती हैं। अगर दराज रोड पीके में इसकी प्राइस की बात करें तो वहाँ पे भी ये अवेलेबल है, वो वहाँ पे इसकी प्राइस 700-800 रुपये है, लेकिन ये मार्केट में आपको 200 रुपये की मिल जाएगी। तो और हम 200 रुपये में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही था जिसका कंप्लीट रिव्यू। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।